गाड़ी में मीटिंग। ओ, फेमस लोग है, लोग घिर लेते होंगे। नहीं, कहाँ है करण सर? करण सर को शूटिंग की वजह से बाहर जाना पड़ा। 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, आपसे ही करवानी है। लहरी बाबा की जय हो, जय हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप भी लहरी बाबा को मानते हो? हाँ जी। अरे मैं क्या, पूरी इंडस्ट्री बाबा जी को मानती है। लहरी बाबा की जय हो। कब से काम शुरू करना है? अरे कल से शुरू कर लेते हैं भाई। क्यों नहीं, क्यों नहीं? बस एक काम करो, मुझे 50,000 रुपए दे दो। क्यों? मैं चाहता तो ये डील किसी को भी दे सकता था, पर तुम भी बाबा के भक्त हो, मैं भी बाबा का भक्त हूँ। अब ये डील कहीं और जानी नहीं चाहिए। जी सर, मीटिंग में सर, मीटिंग में। क्या आप ये इन्वेस्टमेंट किसी और से करवाना चाहेंगे? एक मिनट सर, एक मिनट। ये 5,000 है, ये पार्टी के है 45,000, ये भी आप रख लीजिए, पूरे 50 हो गए। हाँ जी सर, प्रीमल इज बेस्ट सर। अच्छा जी। हाँ बोलो परिमल। भूपी भाई, मुझे 5 करोड़ के डील की कंफर्मेशन मिल गई। इतनी जल्दी तो ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिलता जितनी जल्दी तुम्हें 5 करोड़ का कंफर्मेशन मिल गया। भाई मुझे तो 50 लाख का सिर्फ कॉल आया है, अभी तक पैसे सैंक्शन नहीं हुए। अरे भूपी भाई, आप दिल से एक बार हाँ जी बोल के तो देखिए, सब आ जाएगा। ठीक है, हट। येलो रूपल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके ऊपर हाँ वो लगाते हैं ना, वो अच्छे से लगा, वो अच्छे मतलब से खिली। वो देखो रूपल, परिमल, गोल्डी और तुम्हारी मम्मी कैसे पागलों की तरह बाबा के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। आप कुछ कीजिए ना बेटा। ये वो जुर्म है जिसे सिर्फ दूर से देखा जा सकता है, इसे रोका नहीं जा सकता। पापा, मम्मी सच में संन्यास ले लेगी? वो तो पता नहीं, पर इस वक्त मैं सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि हे प्रभु, अपने भटके हुए भक्तों को सही राह दिखा। रूपल, पता नहीं टंडन साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। क्या? हाँ, ये भूपी भाई भी ना। हाँ जी, हाँ जी। आगे बाबा, आगे बाबा, आगे बाबा, आगे बाबा। बोलो हाँ जी, 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 हाँ जी। लेहरी बाबा किधर गए? ड्राइवर जी, अरे लेहरी बाबा को लाए नहीं क्या? वो किधर है? अरे बेटा मैं यहाँ हूँ। आइए 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 बाबा, आइए लेहरी बाबा की। हाँ जी बाबा, जी हाँ जी, हाँ जी। जो बोलेगा हाँ जी बार बार, उसके जीवन में होगा एक बहुत बड़ा चमत्कार। बाबा जी, बस वो 5 करोड़ वाली डील फाइनल करवा दो बस। तथा तू आज हाँ जी यज्ञ से खुलेगा सबकी किस्मत का ताला। जिसने हाँ जी बोला उसकी लाइफ जिंगा लाला। लाला लाला। बाबा जी, इस गोल्डी की किसी खूबसूरत और अमीर लड़की से शादी कब होगी? वो ना कब से आपको पूछना चाह रहा है, लेकिन देखिए ना कैसे शर्मा रहा है। गोल्डी, शुक्रवार को हाथ से लेकर सर तक कर देना लाल, तब सुधरेगा तेरे दिल का हाल। अरे वाह वाह बाबा जी, लेहरी बाबा की जय। क्या हुआ बाबा जी? भूपी टंडन नहीं दिख रहा है। अब बस आते ही होंगे, मैं अभी फोन लगा कर देखती हूँ। क्या हुआ, फोन ही नहीं उठा रहे?
जाएंगे आ जाएंगे। अब मैं हवन में अग्नि जलाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। इस अग्नि में सारे दुख धुआं धुआं हो जाएंगे। तभी आंखें बंद करके हाँ जी बोलते रहो। हाँ जी। आंखें तभी खोलना जब मैं खोलने को बोलूं। लहर आ रही है, बहुत ही खास लहर आ रही है, मुझे स्वर्ग से संगीत सुनाई दे रहा है। हाजी, वाह। बोलो हाजी हाजी। हाजी हाजी। हाजी। फरारी फरारी। बाबा फरारी। फरारी फरारी। बाबा फरारी। तुम लोगों ने दूसरा बाबा बुलाया है? ओ बाबा। फरारे फरारे बाबा फरारे। फरारी फरारी, ये कौन सा नाम हुआ भाई? मुझे तो लगता है कि ये बाबा पुलिस से फरार हुआ है। फरारे फरारे, मैं बाबा फरारे, गोरी नजर वाले तेरी शिकस्त करारे। तुम कोई बाबा हो या नौटंकी के एक्टर हो? नौटंकी मैं हूँ या तू है जो अपने भोले भाले भक्तों को भटका के बेवकूफ बना रहा है? तुम मेरे भक्तों को भटका रहे हो? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? तो बहुत पहुंचा हुआ बाबा है ना, तो बता कुछ ऐसा जो यहाँ किसी को नहीं पता हो। मैं तो इसे देखकर बता सकता हूँ कि इसके 10 लड़कियों से अफेयर टूट चुके हैं। अबे मेरे नहीं तेरे। गोल्डी गोल्डी। हाँ बाबा जी, ये तो सच है, ये तो सच है बाबा जी। जय हो बाबा जी। क्यूरेट ने बाबा जी जय हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो उन 10 लड़कियों के नाम भी बता सकता हूँ। कुछ भी। विभा, जया, जस्मीन, कृतिका, दीपिका, प्रियंका, काजो, लाजो, सीमा, ज्योतिका। फरारी फरारी बाबा, फरारी 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 बाबा फरारी। ओ बाबा जी, हमारे लहरी बाबा ने हमारी सुख और शांति के लिए बहुत कुछ किया है। सुख के लिए उन्होंने हमें पत्थर दिया है, शांति के लिए देखो ये लॉकेट दिया है। ये बाबा ने फ्री में लॉकेट दिया है? 50,000 रुपए लिए हैं। ओहो, तो ये 50,000 बाबा की कृपा से आए हैं? वो पैसे मेरे पति के थे। तो पति ने कहीं से उठाए होंगे या चोरी किए होंगे? ओ बाबा जी, तमीज से बात करो, मेरे पति की मेहनत की कमाई है। तो उस बेचारे की मेहनत के पैसे किसी को पत्थर के लिए दे दिया? देवी जी, अगर पत्थरों से ही शांति मिल सकती तो आज हर पति अपनी पत्नी को पत्थर ही देता, सैलरी नहीं। बात बराबर छे। तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा।
जय महाकाली। ये ले खा ले से, तेरी अकल ठीक नहीं, ठकाने पे लग जाएगी। चमत्कार तो मैं भी दिखा सकता हूँ। दिखा दीजिए ना बाबा चमत्कार, आपके हाथ का चमत्कार बाबा। ये क्या काला रंग लेके खड़ी हो? काला रंग अशुभ होता है, जीवन तो रंगीन होना चाहिए। बाबा जी माफ कर दीजिए इस अज्ञानी को, आपकी शक्तियों के बारे में इसे कुछ नहीं पता। सही कह रही हो बालिके, मुझे इसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं था। अब थोड़ी बहुत मेरी शक्ति का नमूना भी देख लो। इधर आओ गोल मटोल बालक, इधर आओ। आओ डरो नहीं। आओ। तुमने आखिरी बार पानी कब पिया था? बस थोड़ी देर पहले। पानी ठीक से नहीं पिया, पानी गलत जगह चला गया। पानी तुम्हारे कानों के अंदर चला गया। अभी निकाल के दिखाता हूँ। पानी तुम्हारे बाएं कान की ओर है, अपनी दाएं कान को इधर झुकाओ। देखो कितना सारा पानी निकला, बस खत्म हो गया है। जाओ बालक अपना पूर्व स्थान ग्रहण कर लो। और कोई चमत्कार नहीं है बाबा, पेटी खाली हो गई। अरे अरे तो क्या हुआ, हमारे बाबा भी कुछ कम नहीं है? हमारे लहरी बाबा आग पे चल सकते हैं, आग पे। हाँ लहरी बाबा की जय। कम ऑन बाबा जी। लहरी बाबा की जय। कम ऑन बाबा। नहीं आज यज्ञ है, मैं अपनी वाहवाही नहीं कराना चाहता। अरे ऐसे कैसे बाबा जी? अरे वो आपकी इंसल्ट पे इंसल्ट की जा रहे। हाँ। मैं तो बोलती हूँ अपना इनको भस्म कर दो। हाँ, हाँ, बाबा जी। करता हूँ। अब तुम भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ। से बच के दिखा भस्मा से। कुछ नहीं हुआ। छींक रहा है ये। अगर तुम्हारा बाबा वाकई चमत्कारी है तो इससे कहो कि अपनी छींक रोक के दिखाए। हाँ हाँ कम ऑन। अरे ये छींके तो हमारे बाबा यू रोक देंगे, एफर्टलेस। हाँ। अरे जो आदमी अपनी छींक नहीं रोक पाया वो आप लोगों का कल्याण कैसे करेगा? आजी ये धोखा है। आजी
अब शगुन हो गया है। मैं जा रहा हूँ। बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? बाबा जी ऐसे कैसे बच के निकल जाओगे चूहे? आज तक तुम दुनिया को नकली दर्शन देते रहे, किन अब तुम्हारे असली दर्शन का टाइम आ गया है लहरी। अभी निकालता हूँ तेरी लहर। ले पकड़ में आ गए बच्चों। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बाबा हमारे घर की सारी इंफॉर्मेशन आंखें बंद करके कैसे दे दिया करता था। इसमें इसकी कोई सिद्धि नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी के काम वाली बाइयों का योगदान था। विनंती ये उन्हें बहला के फुसला के सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर लिया करता था। और ये है चड्ढा, इसी के लोग परिमल जैसे लोगों से मिलकर उन्हें बिजनेस का झांसा देकर पैसे निकलवाते। ये कोई बाबा शाबा नहीं है, पाखंडी है। ये अपने हवन के धुएं में केमिकल मिलाकर लोगों को बेहोश करके उन्हें लूट के भाग जाता था। कुछ दिनों पहले इसने जुहू में एक सोसाइटी को ऐसे ही लूटा था। छोटा लुटेरा, पर लगते तो तुम भी बाबा ही हो। मैं बाबा हूँ या नहीं ये तो पता नहीं, मगर एक पति और पिता जरूर हूँ। और बात जब अपने पे आती है तो पति और पिता कुछ भी कर सकता है। अबे भूपी भाई, भूपी भाई बेटा, गलत आदमी से पंगा ले लिया तूने। मेरा नाम है टंडन, भुप्पी टंडन। जाओ जाए। चल बाबा लहरी, अब निकालता हूँ तेरी सवारी। अभी नहीं चलता अंदर, तबीयत बहुत खराब। टंडन साहब आप? हाँ जी मैं। अरे भुप्पी भाई आप भी ये? ओ जी, कभी कभी दूसरों को बेनकाब करने के लिए खुद पे नकाब डालना पड़ता है। भूपी भाई मुझे तो पहले ही पता चल गया था, लेकिन बाबा की एक्टिंग है ना, आपने सोचो की डांस अच्छा किया था। कोई बात नहीं, बाद में तुम्हारी एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर लूंगा। तो तुम करो ना। हाँ। संन्यास तुम लेने वाले थे ना? नहीं नहीं मैं नहीं, संन्यास तो नीतू भाभी लेने वाली थी। सॉरी टंडन साहब, माफ कर दीजिए, पर आपकी वजह से हम सब बच गए। इसीलिए हमें सिर्फ ऊपर वाले पे विश्वास करना चाहिए और ऐसे पाखंडी बाबाओं पे नहीं, और ना ही अंधविश्वास पे। आपा। खेल खत्म, पैसा हजम। एक मिनट टंडन साहब, ये मूंछ मत निकालिए ना। क्यों? आपने बड़े सूट करती है, बड़े मर्द टाइप्स लगते हैं आप। क्या मतलब? इसके बगैर मैं मर्द नहीं दिखता? हाँ जी हाँ जी। सॉरी सॉरी सॉरी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।